हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, इसमें भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। वो है गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच जो ट्रेडिंग होती है उसके गेन्स क्या है, यानी कि उसके फायदे क्या है या बेनिफिट्स क्या है बोल सकते हैं। वैसे तो आप अपने मन से सोच के लिखेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, हमारा इनकम में ग्रोथ होता है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी में ग्रोथ आता है और चीजें सस्ती मिलती है इंटरनेशनल। बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट अगर इसमें से कुछ 5-6 अगर आप याद करके भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। अब एक हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड करा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं और यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि अब जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है। या अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ से जो सामान जाएगा उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, या बोल सकते हैं कि काम जो है वो सब पे आता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको वर्क करने की। फिर आता है गुड्स आर अवेलेबल एट चीपर प्राइस। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनका हमारी कंट्री में प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप अदर कंट्रीज में देखें तो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं कि समवेयर गुड्स आर अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेव्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब ये हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर मुझे बाहर की कंट्रीज में भी सामान भेजना है, यानी कि आई विल प्रोड्यूस अप टू दैट मार्क, यानी कि मुझे बाहर भेजने के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि ये जो स्पीड है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है इट अनेबल्स कस्टमर्स टू गेट वेरियस वेराइटीज ऑफ गुड्स। अब कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो यहाँ से सामान खरीदे, ये खरीदे, वो करे, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कंपनीज के उनको प्रोडक्ट मिलते हैं, तो जो ऑप्शन है उनको इंक्रीज हो जाते हैं, इसके साथ साथ चीपर रेट में भी, बिकॉज बोल सकते हैं कि वो लोग प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, आफ्टर दैट दे विल परचेज अ प्रोडक्ट। तो कंपेयर करने के बाद जो चीपर होगा वो ही मिलेंगे ना, इसीलिए कि वैरायटी भी मिल सकती है और चीपर प्राइस में भी मिलता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर एफिशिएंट रिसोर्सेस का अच्छे से यूज होगा अगर फॉरेन ट्रेड हो रही है तो। फिर आता है फॉरेन ट्रेड जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब फॉरेन ट्रेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करता है, बिकॉज अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए आई विल रिक्वायर मैन पावर, तो ज्यादा प्रोडक्ट होगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आप जनरेट करेंगे, तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर आता है इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज। अब यहाँ पे जो कमोडिटीज का प्राइस है इट विल डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, तो इसमें हम लोग प्राइस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा बाहर की कंट्री में अगर वो सस्ता है तो हम अपनी कंट्री में भी सस्ता करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो लोकल मार्केट है वो बाहर ना जाए खरीदने, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इक्वल या बैलेंस होता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर आता है एक्वायर टेक्निकल नॉलेज। अगर मेरी कंट्री में किसी चीज या मैनेजियल स्किल या टेक्निकल नॉलेज कम है तो मैं बाहर से इंपोर्ट करा सकती हूँ टेक्निकल स्किल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, तो हम बाहर से एक्वायर कर सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, ये एक फायदा है फॉरेन ट्रेड का। फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब द स्पीड ऑफ हाउ यू प्रोड्यूस गुड्स वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो बोल सकते हो कि ये भी एक बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी बढ़ना फॉरेन ट्रेड का। तो इस हिसाब से आप 8 पॉइंट्स अपने हिसाब से भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं जो आप चाहे, ये पॉइंट मैंने लिखे थे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।